जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी लड़के कमेंट कर रहे हैं सुफियान भाई 24A का मेरिट लिस्ट कब लगेगा, 24A के मेरिट लिस्ट तमाम सोल्डरों के कब लगेंगे, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट लग जाता है तो उसके बाद फैज मेडिकल का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और हम अपना नाम किस तरह चेक करेंगे, आज भी मुझे इतने मैसेज आए जिसकी कोई हद नहीं है। हर दूसरे दिन तकरीबन जैसे ही मैं व्हाट्सअप ऑन करता हूँ तो एक ही बात होती है, 24A के मेरिट लिस्ट कब लगेंगे, फैज मेडिकल कब होगा, फैज मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें चेक होगी, ठीक है ना। तो ये तमाम कमेंट्स आप लोग करते रहते हैं और व्हाट्सअप के ऊपर भी वॉइस और मैसेज वगैरह करते रहते हैं, तो मैं मुकम्मल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देख लें ताकि कम से कम कुछ तो आपको समझ आ जाए, और अभी से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर दें। और किन लड़कों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता वो भी आपको समझा देता हूं कि इस वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको याद हो 23A की भर्ती, जिन्होंने 23A में अप्लाई किया था तो उनको बखूब इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जैसी भर्ती ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना, 23A के मार्च में जिस तरह भर्ती ख़त्म हो गई थी, तो मार्च के तकरीबन 2.5-3 महीनों बाद आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह लगना शुरू हो गए थे, ठीक है ना। तो उसमें बात इस तरह था, कुछ सेंटरों के तो मेरिट लिस्ट लग गए थे लेकिन कुछ सेंटरों के मेरिट लिस्ट नहीं लगे थे। उसकी कुछ वजह थी, वजह आपके सामने मैंने शेयर भी की हुई थी, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो मेरिट लिस्ट वगैरह अपलोड ना हो सके साहब, लेकिन उसमें कुछ सेंटरों के अपलोड हो गए थे। उसका हल मैंने आपको ये समझाया था कि आप लोगों ने क्या करना है, अपना रोल नंबर सिर्फ आप लोगों ने उठा लेना है और सेंटर आप पहुँच जाए और अपना स्टेटस वहाँ मतलब वहाँ से चेक करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर वो तो मैंने आप सबको समझा दिया था कि इसी ही तरीके से मतलब आपके पास यही हल है अगर आपके सेंटर का मेरिट लिस्ट नहीं लगा, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको मज़ीद पीछे ले जाऊँ, ठीक है ना, तो 23A की जिस तरह भर्ती ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद तो 23B की भर्ती नहीं आ गई थी, वो भी कुछ इशू की वजह से नहीं आई थी। वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि इसमें फिर वो डिस्ट्रिक्ट जॉब आ गए थे, ठीक है ना, मतलब ज़िला वाइज जॉब्स आ गए थे, लड़काना के थे, ठीक है ना, इसके साथ साथ मुल्तान के थे, बिहारी के थे, क्वेटा के कुछ मतलब इस तरह आए थे, तो उसमें मतलब ज़िला वाइज जॉब आ गए थे लेकिन वो बड़ी भर्ती ना आ सकी। उसमें फिर सिर्फ कुक के थे और साथ में सोल्जर के थे, तो ये दो किस्म की वैकेंसी आई थी। और ज़िला वाइज भर्ती में आपको खुद पता है उसमें बहुत ज़्यादा लड़कों ने अप्लाई किया था, लेकिन उसका भी रिजल्ट कुछ हद तक मैंने आपको समझाया था और काफ़ी लड़कों को उसमें रिजल्ट मिल भी गया था, ठीक है ना, ज़िला वाइज जॉब्स में उसके मेरा टेस्ट वगैरह कुछ ना कुछ लग गए थे। बहरहाल बात करेंगे 24A के हवाले से, ठीक है ना। वो जो मैंने आपको पीछे जो प्रोसेस बताया है तो वो पीछे वाला प्रोसेस था, न्यू प्रोसेस क्या है 2024 का, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस दफ़ा थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, इसी तरह चीज़ें नहीं, मतलब जिस तरह पहले हुआ करती थी। अब बात को समझने की यहाँ से कोशिश करें, ठीक है ना। देखिए 24A की भर्ती फिलहाल 9 मई को ख़त्म हो गई, पूरे पाकिस्तान में आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, आप लोगों ने अगर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, या अगर आपने दोस्त या कज़न वगैरह ने अप्लाई किया हुआ तो मतलब 9 मई को भर्ती ख़त्म हो गई है। अब 9 मई में डिखान की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी मतलब लड़कों से वो टेस्टी वगैरह ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे मालूम होता है कि मेरा लिस्ट कुछ टाइम के लिए लेट है, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए। इतना लेट नहीं है कि आप यह समझ लें कि बिल्कुल लगेंगे नहीं, लगेंगे लाजमी, ठीक है ना। ये मतलब ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि मतलब लाजमी डीखान के लगेंगे, और इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि लाजमी डीखान के नहीं लगेंगे, लगेंगे लाजमी, क्योंकि मेरे लिस्ट के बगैर आपको खुद पता है कि मतलब क्या पता होता है कि आपका नाम है या नहीं है। तो मेरे लिस्ट आपकी ये तमाम चीज़ें जाहिर करते हैं कि आप मतलब मेरिट के ऊपर पूरा उतरें या नहीं उतरें। तो मेरे ख्याल से आपको तकरीबन इंतज़ार करना होगा 2.5 से 3 महीने, ठीक है ना। 2.5 से 3 महीने में इंशाल्लाह इतना रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि मैंने कितना खोया है और कितना मैंने पाया है, ठीक है ना, कितनी मैंने मेहनत की थी और कितना मुझे उसका सिला मिल गया है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिन लड़कों को पता है कि मेरे टेस्ट भी अच्छे हुए थे, मैंने रनिंग भी अच्छी किया, मैंने ट्रेड के टेस्ट भी अच्छे पास किए, ठीक है ना, तो उनको चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा दिन बागे दौड़े नहीं, क्योंकि अगर खुदा ना खाता आपके पाँव आपके बाजू आपको कोई भी चीज़ आप पर टूट गया मतलब क्रैक हो गया तो सीधी सी बात है आप तो फाइनल मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। और बाहर इस तरह हो जाएंगे कि जब तक आपकी ये चीज़ सेट नहीं होती, और सेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, और रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। तो उससे अच्छी बात ये है कि आपने सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा भागे दौड़े नहीं, और अपने मेरिट लिस्ट का वेट करें। मेरिट लिस्ट का वेट करने का मकसद ये नहीं है कि मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजार करना, इंतजार ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट की ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको पीछे वाले की तरह मैंने समझा दिया था कि इसी ही तरीके से मतलब 23A कि वो सब प्रोसेस हुआ था। तो 24A का जो प्रोसेस ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस दफ़ा भर्ती भी काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 2.5-3 महीने तक भर्ती चली थी, तो उसके हवाले से तकरीबन इनकी मेरिट लिस्ट काफ़ी जल्दी लग जाएगी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल पर पहली बार लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बार बार मिलते रहे, एक दूसरे को ग्रो करते रहे और यहाँ से बेरोजगार का खात्मा करते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर कंट्री, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।